Hello everyone. So today we are making two different varieties of soya bean, that is soya bean kebab and soya bean kebab sandwich. As we know that soya bean is the alternative of chicken for vegetarians. So by not wasting so much time, let's start the video. Main ingredient is soya bean, mango powder, kasturi methi, salt, coriander powder, oregano, ginger garlic paste, besan and onion. This and chili powder. This is all for the soya bean kebab. Now we switch on to the soya bean kebab sandwich. We need here is hunkered sauce. This is capsicum, tomato and onion, bread, cheese and butter. इसको हमने दो घंटे मतलब इसको हमने ऐसे बॉईल करके उसके बाद इसके अंदर से स्क्वीज करके वाटर हम इसको जार के अंदर डाल देंगे. हमने इसको ग्राइंड कर लिया. ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाएगा. हमारे पास 3 कप सोयाबीन था, उसके अंदर 1 टीस्पून जितना मैंगो पाउडर मतलब आमचूर डाला हमने, 1 टीस्पून जितना हमने कस्तूरी मेथी, 1 टीस्पून जितना सॉल्ट, 1 टीस्पून जितना कोरिएंडर पाउडर मतलब धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना ओरिगैनो एंड 1 बिग टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 1 कप ऑफ अनियन एंड 1 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर. इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सैगी सैगी से इसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो इसके अंदर हम बेसन डालेंगे. पहले हम 2 टेबल स्पून डालते हैं, उसके बाद इसको मिक्स करके देखते हैं. इसके बाद 2 टेबल स्पून और लगेगा, मतलब 4 टेबल स्पून बेसन लगेगा आ रहा है. या तो आप इसमें अब शेप्स भी होती है डिफरेंट डिफरेंट, या तो जैसे सीक की होती है ऐसे दे सकते हैं, या फिर बिल्कुल आप पे डिपेंड है आपको कैसा देना है, कोई भी शेप दे सकते हैं. दिस इज हाउ हमारे बिल्कुल बन चुके हैं. अगर ये ज़्यादा आपके हाथ से ना बन पाए तो अपने हाथ में पहले ऑयलिंग कर लेना, उसके बाद बन जाएंगे. अब इसके बाद बस 2 टेबल स्पून जितनी हंकर्ड है, हंकर्ड मतलब जब पानी निकाल देते हैं कर्ड में से, तो ये हंकर्ड हमारी बन चुकी है. इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना सॉस. सॉस के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून जितनी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना सॉल्ट ना ओरिगैनो एंड 1/2 टीस्पून जितना कोरिएंडर पाउडर. फिर 4 टीस्पून जितना हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया. यह बीन सी तैयार हो चुकी है. मिक्स जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं वो डालेंगे, बटर ऑन द ब्रेड, इसके बाद हमने अब चीज लगा दिया. उसके बाद ये जो मिक्सचर है इसको हम पूरा कुक कर देंगे. अब हम इसको जो हमने कबाब बनाए हैं उन्हें कट करके, तो किसी में भी कर सकते हैं, ग्रिलर में मैं कर रही हूँ, आप टोस्टर या फिर OTG माइक्रोवेव किसी में भी कर सकते हैं. अब हम इसे बंद करते हैं. गार्निशिंग करेंगे. इसके साथ हमारे पास कुछ जो सैलड कटा हुआ है इसको हम थोड़ा सा थोड़ी सी हम बीच में ऐसे. कबाब तो बिल्कुल रेडी हैं. अब हम हैं थोड़ा सा चीज से जमाओ. हमारे कबाब, सोयाबीन कबाब और सोयाबीन सैंडविच बिल्कुल रेडी है. ट्राई दिस एट योर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अमेजिंग अपडेट्स. थैंक यू.